हाय एवरीवन, माय नेम इज स्वाति। आई एम अ पैटेंट एजेंट एंड 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आईपीआर फील्ड। गाइस, तो आज पेपर 2 का एक थोड़ा मुझे डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ। देखो, क्वेश्चंस ना, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ड्राफ्टिंग क्लेम ड्राफ्टिंग के बारे में आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन ये है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ इस पैटर्न को आप किस तरीके से लिखोगे। देखो, अगर आप पैटर्न समझ जाओगे ना कि पेपर 2 में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से आंसर करना है, क्योंकि अगर आप आंसर करना सीख गए ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो पेपर 2 में। अमित, आपने जो क्लेम, सबसे पहले तो अमित, जो क्लेम आपने किया था ना, ड्राफ्ट क्लेम को ड्राफ्ट किया था, बहुत अच्छी बात है अमित कि आप इनिशिएट ले रहे हो ड्राफ्टिंग का, बहुत अच्छा। अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है तो मैं उसके लिए बेस्ट कहूँगी। लेकिन देखो अमित, जो आपने लिखा ना क्लेम, हमेशा ना ये सोचो कि मैं छोटे से छोटा कैसे लिख सकता हूँ, मीन्स वन लाइन के अंदर, ठीक है। बहुत बड़ा है जब पॉसिबिलिटी ही नहीं है तब ठीक है, लेकिन जो ये क्वेश्चन का आपने क्लेम ड्राफ्टिंग किया ना, उसमें पॉसिबिलिटी थी कि हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते थे। तो कोशिश करना अमित कि आप शॉर्ट में लिखो, लेकिन आपके इनिशिएशन के लिए आपको मैं हैंड्स ऑफ कर रही हूँ कि नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन थोड़ा सा अमित ना इसको शॉर्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन को समझो कि किस, आप अगर 10-12 क्लेम उठा लो या 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठा लो पैटर्न एजेंट के, और उसके क्लेम्स को देखो, राइट, क्लेम मैपिंग कैसे, जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे ड्राफ्ट करना है। बहुत ज़्यादा है कि पॉसिबिलिटीज ही नहीं है तो उस टाइम पे तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी थी अमित, तो आपने एक लाइन में इसको करना है। जैसे मैंने आपको सेम इसका जो ड्राफ्टिंग में क्लेम वाला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप देखना कि मैंने कैसे कॉन्साइज किया, उससे सीखो किस तरीके से हम करते हैं, राइट। ठीक है अमित, जो आपने बोला था कि मैम चेक करके बताओ, बता दिया मैंने। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, योर क्लाइंट एक्स राइट्स टू यू एज फॉलोज, ठीक है। एक क्लाइंट है हमारा एक्स नेम का, वो उसके बारे में है ये सारी चीज़ें कि आवर पेट इंडियन पेटेंट इश्यूड इन दिसंबर 2009 डिस्क्राइब्स एंड क्लेम्स अ प्रोसेस फॉर रिएक्टिंग ए विथ बी अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन टू ऑब्टेन प्रोडक्ट सी। इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट कैटलिस्ट क्यू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर दैट प्रोडक्ट सी में प्रोसेसेस द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आउटलाइन इन आवर डिस्क्लोजर। Unfortunately, none of the claims in the patent make any reference to catalyst Q at all. Even tough catalyst Q and the manner in which it is used in the process is clearly described in our disclosure. We would like to take action in the near future against the competitors of ours who has been using our process in the last 1 year. Do you think we will have difficulty enforcing our patent? And if so, is there anything you can do to improve our prospect for success against our competitors? Pehla advice X. Dekho, ye kaam ek patent agent karta hai. राइट, ये जो एडवाइस देने का काम होता है ना क्लाइंट को, ये पैटर्न एजेंट करता है। उनके पास लोग आते हैं कि सर मुझे बताओ या मैम मुझे बताओ कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो ये कुछ 3 टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको पढ़ लेना, मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको हम आंसर कैसे करेंगे, इसका आंसर मैंने आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने लिखा है, मतलब आंसर का तरीका देखना किस तरीके से मैंने इसके आंसर को करा है, इसमें कौन से सेक्शन आएंगे, 56 सेक्शन है, 57 है, 54 है, तो इस तरीके से इसके आंसर्स करने हैं। आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको पढ़िएगा गाइस, राइट। पढ़ने के बाद अच्छे से पढ़ो और इस पैटर्न से कोशिश करो कि हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम इसी पैटर्न से उसको सॉल्व करें, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आई होप सबके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे चल रहे होंगे, राइट। एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लॉकडाउन के टाइम पर आप घर पर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो कीजिए। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं MCQs टाइप्स नेक्स्ट वीडियो से मेरा MCQ टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे कुछ, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, तो रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो यूजफुल है, आप लोग लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल, स्टे कनेक्टेड।